वहीं सीएम के बयान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी। ब्रजेश पाठक का कहना है कि सनातन पर लगातार हमले होते आए हैं, अब सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे हैं पुरातन काल से। उत्तर प्रदेश और देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और सब लोग एकजुट होकर के भारत माता को, आकाश की बुलंदियों को और तिरंगों को पहुंचाने के लिए काम करेंगे।